हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम यहाँ 22 अक्टूबर का द हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये मेजर 7 और टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फार्मर्स को राइट टू प्रोटेस्ट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। जाके 19 आर्टिकल प्लीज चेक कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका फंडामेंटल राइट है, बट दे डोंट हैव एनी राइट, उनके पास कोई राइट नहीं है रोड्स को ब्लॉक करने करके रखने का। देखिए, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट जो है शाहीन बाग प्रोटेस्ट के केस में भी ये ऑलरेडी सेम पॉइंट मेंशन कर चुकी है कि यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट बट यू हैव नो राइट टू ब्लॉक द रोड्स। तो आप ये केसेस जो हैं दोनों, फार्मर प्रोटेस्ट का केस और शाहीन बाग का केस, ये अपनी केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई केस स्टडी आए कि आप किसी जगह के डीएम हैं या एसटीएम हैं या एसपी हैं और लोग जो है वो रोड्स ब्लॉक करके बैठे हैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, तो क्या आप उनको मूव करेंगे वहां से, हटाएंगे वहां से? तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ या करती हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, बट उनको रोड्स ब्लॉक करने का कोई राइट नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट केस एंड शाहीन बाग प्रोटेस्ट केस। तो ऐसे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये यूज करनी है, दोनों केसेस के नाम लिख के रखिए और ये हेडिंग लिख के रखिए अपनी केस स्टडीज में यूज करने के लिए। नेक्स्ट है ये सीओपी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में हो रही है। पहले तो आप ग्लासगो में देख लीजिए, जब भी कोई नई प्लेस आप न्यूज में देखें तो प्लीज उसे मैप में जाके, एटलस में जाके अपनी देखिए, ताकि आप मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में कर सकें। तो ये देखिए, ये स्कॉटलैंड में है, यहाँ यूके के नॉर्थ नदरन साइड में, ये स्कॉटलैंड की एक सिटी है ग्लासगो। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है। तो यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली है क्या, आप एनवायरनमेंट के सेक्शन में ये पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक कन्वेंशन है जिसके अंडर कंट्रीज कमिट करती हैं कि वो अपने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को चेक करेंगी। तो इसी के लिए हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यानी कि एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती है। हर जो कंट्रीज की मेंबर है यूएनएफसीसी की, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। हर ये सब मिलके अपने डिसीजंस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, क्लाइमेट को कैसे मैनेज करना है, उस पर डिसीजंस लेते हैं इकट्ठे। ये रिव्यू करते हैं अपने प्रोग्रेस को, इम्प्लीमेंटेशन को, अपने डिसीजंस को, और फिर आगे फर्दर डिसीजंस लेते हैं। तो ये हर साल मीटिंग होती है। सिर्फ कोरोना की वजह से लास्ट ईयर नहीं हुई थी, उससे पहले मैड्रिड 2019 में हुई, कैटोविस पोलैंड में, जो 2018 में हुई, बॉन जर्मनी में 2017 में, और इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे ही अब ये हमारे 26th जो अब हो रही है ग्लासगो में, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी इसको डिस्कस अटेंड करने के लिए गए हैं। तो कल तक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब कल हम इनकी आउटपुट्स डिस्कस करेंगे। आज आप सिर्फ बेसिक्स देखिए कि सीओपी क्या होता है, यूएनएफसीसी क्या होता है। अपने स्टैटिक नोट्स में जाके ये सब चीजें जो है आप आज इनका नोट बना लीजिए। मैड्रिड जो लास्ट स्पेन में हुई थी उसमें क्या हुआ, कैटोविस में क्या हुआ, थोड़ी समरी, दो दो तीन तीन पॉइंट जो भी इनकी इंपॉर्टेंट आउटकम्स थी वो भी आप अपने पास लिख लीजिए। उसके बाद ये एल्डरली पॉपुलेशन पे डेटा आया है, दिल्ली के एडिशन में आया है। आप किसी और एडिशन को यूज करते हैं तो आपको शायद ये ना मिले, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें सोशल इश्यूज एक टॉपिक है जिसमें ऐसे ही वल्नरेबल सेक्शंस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चिल्ड्रन, विमेन, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये एल्डरली पॉपुलेशन पे भी डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें, इस आर्टिकल में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट, 2020 का रिपोर्ट जो है उसका डाटा प्रेजेंट किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, स्पेशली इन दिल्ली जो है उसने टॉप किया है इन द रैंकिंग ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली सिटीजन्स। तो इसमें थोड़े इश्यूज मेंशन किए गए हैं कि इश्यूज क्या क्या फेस करती है हमारी एल्डरली पॉपुलेशन। सबसे पहले तो सिक्योरिटी इश्यूज ही है, जैसे इनके मेड हो गई, वॉचमैन हो गए, ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो पॉश सोसाइटीज, अमीर सोसाइटीज में
बूढ़े लोग रहते हैं, तो इनको पता होता है कि इनके पास पैसा भी बहुत होगा, तो इजीली अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजरली अलोन रह रहे होते हैं. इनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन में मोस्ट ऑफ द टाइम सेटल्ड होते हैं फॉर वर्क और फॉर स्टडीज, तो ये इजी टारगेट बन जाते हैं. इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं. एल्डरली पॉपुलेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी होता है. आपने कुछ साल पहले एक केस देखा होगा कि 70 ईयर ओल्ड एक नन वेस्ट बंगाल में शी वॉज रेप्ड. तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो सारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए बहुत ग्रेव है. तो उसमें आप ये एल्डरली वाले टॉपिक में अपने नोट्स में ये सिक्योरिटी इश्यूज फर्स्ट पॉइंट एंटर करेंगे. उसके बाद लिविंग अलोन, इसका साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है. मोस्ट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन अब अकेली रहती है. आप देखिए कि बच्चे जो है या तो बाहर किसी और कंट्री में या फिर बाहर किसी और स्टेट में चले जाते हैं अपने करियर या एडुकेशन के लिए. तो इसका इम्पैक्ट एल्डरली पॉपुलेशन पे होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लिविंग अलोन का. उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत होती हैं एल्डरली पॉपुलेशन को. इन लॉज अपने सन या डॉटर इन लॉज से लड़ाइयाँ रहती हैं. आप देखते ही होंगे हर घर में फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं. इस वजह से भी एल्डरली पॉपुलेशन को बहुत जो मेंटल हरासमेंट वगैरह होती है. तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको साइबर थ्रेट्स के लिए भी ये बहुत वल्नरेबल है. आप देखिए कि एल्डरली पॉपुलेशन को ज्यादा इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करना आता, बैंकिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो ऑनलाइन जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इनको इजीली डिसीव या धोखा दे सकते हैं और इनका बहुत फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं. तो ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फोर्थ इशू हो गया, ये मैंने आपको बताया ही है. और ये वृंदावन विडोज की एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, वो कैसे अकेली एंड विदाउट एनी रिसोर्सेज वहां पे रहती हैं जस्ट बिकॉज एल्डरली पॉपुलेशन को इतनी. ये आप एडिशनल इशू लिख सकते हैं. और इसका मतलब यही है कि इंडियन गवर्नमेंट को और एफर्ट करना है एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, फैसिलिटीज बनाने के लिए. जैसे होम्स बना दिया आपने इनकी हेल्प के लिए, होम्स, या होम्स से मेरा मतलब है कि केयर होम्स, जहाँ पे इनकी स्पेशल फैसिलिटीज हो. केयर इकोनॉमी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा. ये सब पॉइंट्स आपके आर्टिकल्स में आते रहते हैं, आप आगे चल के पढ़ते रहेंगे. अभी के लिए ये आप चार मेंशन कीजिए पॉइंट्स अपने इश्यूज में. एंड वे फॉरवर्ड यहाँ एक दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सीनियर सिटीजन सेल बना दिया है, ताकि सीनियर सिटीजन्स की कंप्लेंट्स डेडिकेटेडली हैंडल की जा सके. तो आप ये वे फॉरवर्ड में एक पॉइंट लिखिए. आगे और जब आर्टिकल आएंगे तो इसी प्रकार से पॉइंट्स ऐड करते रहिए. हर आर्टिकल आपको कुछ कुछ ना पॉइंट्स देता रहता है हर टॉपिक पे. तो मैं आज नोट्स बनाने कैसे हैं वो वीडियो भी आज मैं अपलोड करने वाली हूँ. आप वो भी जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स को पढ़ के अपने नोट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे बनाना है. नेक्स्ट, ये कोविड वैक्सीनेशन देखिए, इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है. 1 बिलियन लोगों को इंडिया ने वैक्सीनेट कर दिया है एक वैक्सीन से एटलीस्ट. तो इस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी द हिंदू में आर्टिकल दिया है और ये एडिटोरियल भी आया है. तो इसमें आप लेसन्स क्या सीख सकते हैं, आप इसे अपनी एज एन एग्जाम्पल अपने एथिक्स के या एसे के आंसर में लिख सकते हैं कि अगर आपने देखा ये गुड गवर्नेंस की एग्जाम्पल है कि कैसे सब लोगों को, सब एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस ने मिलके इस बड़े काम को पॉसिबल बनाया है विद इन 9 मंथ्स. तो ये गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस का एग्जाम्पल है. कैसे हम अच्छे से डिजास्टर्स को मैनेज करें, कोविड एक बायो डिजास्टर था, तो इसको हमने कैसे से अच्छे से मैनेज किया, क्विकली वैक्सीनेट करने का ये जिम्मा उठाया और इसे पूरा भी किया. तो ये आप उसमें भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं एज अ केस स्टडी. और कोविड वैक्सीनेशन हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की प्रोवेस को भी बताता है. देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया का बहुत ही रोबस्ट है, सेकेंड नंबर पे है आप अगर वर्ल्ड में देखें प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल वैक्सीन डिलीवरी में. तो वो भी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस से हाईलाइट हो रहा है कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने जल्दी से वैक्सीन जो है डिलीवर की, ताकि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो सके. ऊपर और नेक्स्ट में ये हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताता है, वो कैसे दिन रात मास्क एंड पीपीटी किट्स पहन के लोगों की सर्विस में अवेलेबल हो गए थे. तो आप इस केस स्टडी को ऐसे न्यूमरस वेज में यूज कर सकते हैं जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कर रहे हैं. तो ऐसे आप इनोवेटिवली इस हम इंडिया की माइलस्टोन को यूज कर सकते हैं. पर अब आगे चल के वे फॉरवर्ड क्या है,
तो एडिटोरियल में लिखा जाता है कि ये बहुत अच्छी मीन अचीवमेंट है कि हम 1 बिलियन लोगों को, यानी कि 75% अपनी पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। बट इसमें कहा गया कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है खत्म नहीं होता है, अभी हमें आगे बढ़ के और लोगों को वैक्सीनेट करना है। स्पेशली सेकेंड डोज सिर्फ फुल वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जो है सिर्फ 31% ऑफ पॉपुलेशन को लगी है इंडिया में अभी तक। तो चाइना ने जबकि देखिए अपनी 75% पॉपुलेशन को दोनों वैक्सीन लगा दी है। तो हमारा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और फास्ट करें और वैक्सीन बनाएं, उसकी सप्लाई बढ़ाएं, ताकि जल्दी से रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी सेकेंड डोज से वैक्सीनेट हो सके, क्योंकि तभी ही प्रॉपर प्रोटेक्शन लेवल्स जो आएंगे दो वैक्सीनेशन के बाद ही। उसके बाद नेक्स्ट ये भी जरूरत है कि हमने, इंडिया ने देखिए एक्सपोर्ट्स के लिए कमिट किया हुआ है साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में स्पेशली, कि हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। बट देखिए इंडिया अपनी नीड्स ही फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से उसने अपने एक्सपोर्ट्स जो है रोक दिए थे। तो देखिए इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को, इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को बहुत डैमेज होता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि इस वजह से भी हमें प्रोडक्शन जो है अपनी रैंप अप या इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि हम इंटरनेशनल अपनी एक्सपोर्ट डिमांड और अपनी एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल कर सकें टाइमली। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज वैक्सीनेशन पेस स्पेशली विद द सेकेंड डोज, एंड थर्डली हमारा एक्सपोर्ट्स पे भी इंक्रीज किया जाए। ठीक है दी, ये नेक्स्ट इंडिया अफगानिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम 10 नेशन मीट में, मॉस्को में जो चल रही है रशिया में, वहां पे ये रिकॉग्नाइज किया है कि हम अफगानिस्तान में न्यू रियलिटी, दैट इज तालिबान जो पावर में आ गया है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये इंडिया फर्स्ट टाइम कर रहा है, ये इंडिया की अप्रोच में एक डिसाइसिव शिफ्ट है। इससे पहले इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, अगेंस्ट था तालिबान से एंगेज करने के भी। बट अब देखिए इस मीटिंग में तालिबान की टॉप डेलीगेशन, उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी इंडिया के ऑफिशियल्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? देखिए यही कहा जा रहा है कि देखिए ये एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है हमारी, ये कीवर्ड है, प्लीज ये अच्छे से लिख के रखिए बोल्ड लेटर्स में, इसको आपको लिखना है। क्यों हमें अफगानिस्तान में तालिबान से इंगेज करना पड़ेगा? उसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व है। आप देखिए इंडिया ने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में की हुई है, इनकी पार्लियामेंट हमने बनाई है, डैम सलमा डैम्स जो है हमने बनाया, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी हमने बनाई है। तो हमने इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इन टोटल 2 बिलियन इंडिया ने यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं इन डिफरेंट वेज लास्ट 20 ईयर्स में। तो उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमें अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट ऑफ पावर में है, दैट मीन्स तालिबान नाउ, उसके साथ एंगेज करना पड़ेगा। ऑल्सो ये भी प्रिडिक्ट किया गया है, एस्टिमेटेड है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स का रिजर्व है, तो उसके लिए भी कंट्रीज रेस कर रही हैं। आप देखिए चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, हर कोई अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि एक तो ये सिल्क रूट पे, यानी कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है इंटरनेशनल रूट्स में, और दूसरा मिनरल रिजर्व्स की भी डिस्कवरी या एस्टिमेटेड है कि यहाँ बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स हैं। तो हर कंट्री अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो हमारे फर्स्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाना जो ऑलरेडी हो चुकी है, और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना। सेकेंड है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब देखिए अगर हम तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन करेंगे तो टेररिज्म जो है इंडिया में बहुत बढ़ चुकेगा। तो ये तालिबान 1990 से पहले भी अफगानिस्तान में पावर में आया था, और तब देखा गया था कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं LET, JEM वगैरह जो एंटी इंडिया हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिला था। कंधार की हाईजैकिंग का केस भी आपने पढ़ा होगा, तब वो जाके तालिबान में ही लैंड हुए थे, फिर वहीं इन्होंने सेंचुरी ली थी हाईजैकर्स ने। तो फिर इसीलिए अब तालिबान क्या कह रहा है कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को हमारी सॉइल से ऑपरेट नहीं होने देंगे। तो टू इंश्योर कि तालिबान अपनी बात पे बना रहे, तालिबान वॉक्स द टॉक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया उनके साथ एंगेज करे, बात करता रहे कि आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। एंड फाइनली पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस देखिए बहुत है, तालिबान के
आने में ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, तो हम नहीं चाहते कि ये टोटली पाकिस्तान की सैटेलाइट स्टेट बन जाए तालिबान। इसीलिए इंडिया को अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना, तालिबान को हेल्प करना, असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है, देर इज नो ऑप्शन अराउंड इट। तो फिर अब वे अहेड क्या है, देखिए कि इंडिया के बायलेटरल यानी कि सीधा तालिबान से कोई खास टाइज नहीं है। इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, नो एंगेजमेंट की पॉलिसी ही फॉलो की थी। इंडिया जो पुरानी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, दैट इज घानी गवर्नमेंट के साथ फुली कमिटेड थी। तालिबान से इसने ज्यादा एंगेजमेंट नहीं की है, थोड़ी बहुत बैक चैनल टॉक्स होती रही हैं, बट प्रॉपर कोई एंगेजमेंट नहीं रही है। इस वजह से इंडिया का कोई क्लाउट नहीं है तालिबान के साथ, ना कोई अच्छे रिलेशंस हैं। तो अब इंडिया के लिए अच्छा यही रहेगा कि ये रीजनल डिप्लोमेसी पे फोकस करे। रीजनल डिप्लोमेसी, जैसे ये मॉस्को में अब समिट हो रहा है, दैट मींस कि रीजन की कुछ कंट्रीज मिलके जो तालिबान के साथ डिस्कशन करती हैं, तब तब इंडिया उनके साथ इन्वॉल्व रहे रीजनल डिप्लोमेसी में। देखिए बाकी इन कंट्रीज का भी, जैसे चाइना, पाकिस्तान, ईरान वगैरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, उनका भी शेयर्ड इंटरेस्ट है। देखिए अफगानिस्तान में कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी, दैट मीन टेररिज्म एक्टिविटी अगर बढ़ेगी, तो ये नेबरिंग कंट्रीज, ईरान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये चाइना का जिंगजियांग रीजन, यहाँ पे ये देखिए अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड है, इसके ऊपर है रशिया। तो अगर अफगानिस्तान में कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ती है, तो इन सब कंट्रीज को थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है, वो यहां से शुरू होगी और सारी जगहों पे नेबरिंग स्टेट्स में फैलेगी, पाकिस्तान में भी जाएगी, पाकिस्तान में भी बहुत अटैक्स होंगे, इंडिया में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि कश्मीर का इशू बड़ा हॉट रहता है ये टेररिस्ट के बीच में। तो इसीलिए हम सारी कंट्रीज का ये शेयर्ड इंटरेस्ट है कि तालिबान के साथ काम करते रहें उन्हें, और अफगानिस्तान को टेररिज्म की सेंचुरी या होम ना बनने दिया जाए किसी भी तरीके से। ओके, सेकंड वे फॉरवर्ड यही है कि अब देखिए अफगानिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। पहले तो यूएस जो है इन्हें इकोनॉमिक एड देता रहता था घानी गवर्नमेंट को, और कंट्रीज भी ट्रेड वगैरह करती थी। अब देखिए यूएस ने इसे एड देना बंद कर दिया है, और इनके पास अपने कुछ खास रिसोर्सेज नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के, जो कस्टम्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह ये लेवी करते हैं, वहां भी जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो खाई जा रहे हैं वो। तो तालिबान जो गवर्नमेंट में है, अब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सारी कंट्रीज, इंडिया एंड अदर कंट्रीज जो है, मिलके इनकी इकोनॉमिक मिजरीज में इनको हेल्प करने की कोशिश करें। तो इंडिया ने भी इस जो कल वाली मीटिंग है उसमें कमिट किया है कि इंडिया राइस एंड वीट जो है अफगानिस्तान की एड में भेजेगी। देखिए जब जब आप एड देंगे तालिबान को, तो स्पेशली इंडिया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो एड है, फाइनेंशियल एड, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए ना यूज कर सकें, सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए ही यूज करें, अदरवाइज फिर वही जो इंस्टेबिलिटी रीजन में होगी वो खतरनाक हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एड देना जरूरी है, बट तालिबान पे ये भी प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है कि वो उस एड को प्रॉपरली यूज करे और अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी लाए, विमेन की राइट को ध्यान में रखे, माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू सिख्स की राइट्स को भी प्रमोट करे। जो अदर एथनिसिटीज हैं तालिबान में, बहुत एथनिसिटीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन सब को इंक्लूसिव तरीके से लेके आगे चले। अगर इसे अपनी जो इंटरनेशनली अपनी जो है वैलिडिटी को अप्रूव कराना है, तो ये हमारा आगे चल के रास्ता रहना चाहिए। तो अब देखिए कि यूएन ने ये एक पीपल्स इकोनॉमी नाम का फंड भी लॉन्च किया है, ताकि अफगानिस्तान के नॉर्मल लोगों को, सिटीजन्स को हेल्प किया जा सके। अब अफगानिस्तान में बहुत कंडीशन खराब है, सैलरीज नहीं पे कर पाएंगे तालिबान वाले, क्योंकि उनके पास कोई फंड ही नहीं है। जब उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी तो लोगों को बहुत इम्पैक्ट होगा। इसलिए आप ये पॉइंट भी ऐड कीजिए कि अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए, कंडीशंस नॉर्मलाइज करने के लिए, ये पीपल्स इकोनॉमी नाम का फंड अफगानिस्तान के लिए यूएन ने लॉन्च किया है। जर्मनी ने ऑलरेडी 58 मिलियन डॉलर्स इसके लिए जो है कमिट कर दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट कैश, जैसे हमारे डीबीटी होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स बेनिफिशियरी के अकाउंट में, वैसे ही ये यहाँ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सोच रहे हैं। मतलब तालिबान गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली अफगान्स के अकाउंट्स में ये पैसे डालेंगे, ताकि वो अपनी डेली नीड्स जो है उसको मीट कर सके।
तो ये आप स्टेप्स टेकन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेंशन कर सकते हैं पॉइंट। नेक्स्ट, ये इंडिया चाइना बॉर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, इंडिया चाइना पे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन रेगुलरली एक एक साल छोड़ के आते रहते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, अपने आंसर्स में ये जरूर बनाइएगा। तो पहले तो चाइना और इंडिया के ये तीन जो बॉर्डर है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको ईस्टर्न सेक्टर कह देते हैं, इसको सेंट्रल सेक्टर और ये है वेस्टर्न सेक्टर। तो इन तीनों जगहों पे ही इंडिया और चाइना की कन्फ्रंटेशन होती रहती है। यहाँ डिटेल में दिखाया गया है, देखिए ये देपसांग प्लेन है, दोल्तबेग और डीबीओ ये यहाँ पे है, ये गालवन वैली जहाँ लास्ट ईयर क्लैश हुआ था, ये हॉट स्प्रिंग्स जहाँ यहाँ पे क्लैश होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लैश पॉइंट्स हैं चाइना के और इंडिया के बीच में, आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, जब भी इंडिया चाइना का क्वेश्चन आए ये मैप पक्का बनाइए और यहाँ पे थोड़े बहुत अपने पॉइंट्स जो हैं प्लॉट भी कर दीजिए। यहाँ पे आप तवांग भी मेंशन कर सकते हैं, तवांग जो अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि इंडिया ने चाइना के कुछ सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था, वो हमारी टेरिटरी के अंदर आ गए थे, यहाँ तवांग है, यहाँ डोकलाम इंसिडेंट हुआ है, ये भूटान में है बट इंडिया के लिए ये बहुत ही यहाँ है डोकलाम सॉरी, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो आप ये सब प्लॉट कर सकते हैं मैप पे। तो अब इशू क्या है, चाइना की जो इग्रेशन है अलोंग एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो आपको दिखाया गया था वो एलएसी ही था, तो वहां पे बहुत बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाइना, रोड्स वगैरह, एयरवेज वगैरह, ताकि एयर जब एयर वॉर हो तो अपने प्लेन्स को सपोर्ट कर सके, तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया गया है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी आर्टिलरी जो है वहाँ पे लाई जा रही है बॉर्डर के अलोंग, तिब्बत के अलोंग या इवन हमारे अक्साई चीन में भी। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत कंडक्ट कर रहा है वहाँ पे, मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करना एक्चुअल वॉर होने से पहले। तो और ये जो एक्शंस है ऑल अलोंग दी एलएसी, जो हमारी 3488 किलोमीटर की एलएसी है जो आपको मैप में दिखाई गई थी, हर सेक्शन में उसके ये सारी एक्टिविटीज चाइना द्वारा की जा रही है। चाइना कर भी सकता है, ये बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग कंट्री है, अब आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी टर्म्स में वर्ल्ड में, तो इसके पास टेक्नोलॉजी भी है और फाइनेंसिस भी है, तो ये अपनी एग्रेशन बॉर्डर के अलोंग बढ़ा रहा है। तो इंडिया के लिए ये इशू रेज करता है और इंडिया की बॉर्डर प्रिपरेशन में बहुत इशू है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तो सबसे पहला बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस में हमारा क्या इशू है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है। आप देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी ट्रांजिशन, उसके बाद कोविड आ गया, पेंडेमिक, इन सब इश्यूज ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत वीक कर दिया है। लास्ट ईयर तो हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, तो ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेज करने के लिए। अगर फाइनेंसिस पैसा होगा तभी आप मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप एक कंट्री को अच्छा बनने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, इंटरनेशनल पावर बनने के लिए, सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही चाहिए होती है, जो कि फॉलो की जाती है विद मिलिट्री एम्पावरमेंट। बिस्मार्क आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जर्मनी में, उन्होंने जर्मनी को ग्रेट बनाने के लिए, यूनिफाई करने के लिए ये दो स्टेप्स ही लिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी कंट्री को ग्रेट बनने के लिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिया के पास नहीं है, तो बॉर्डर पे वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्टिलरी या सोल्जर्स को सपोर्ट कर पाएगा? देखिए ये एशली टेलिस का डाटा है, ये इंपॉर्टेंट एक एडवाइजर स्ट्रेटजिस्ट वगैरह है मिलिट्री, तो इन्होंने भी 2016 में ये कैलकुलेट किया था कि इंडियन एयरफोर्स को 60 फाइटर जेट्स चाहिए होंगे बाय 2020, बट इंडिया के पास सिर्फ 30 हैं। चाइना और पाकिस्तान देखिए दोनों ही तरफ से हम बॉर्डर पे घिरे हुए हैं, दोनों ही जो कंट्रीज हैं एनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया के अगेंस्ट टाइप्स हैं, इंडिया से लड़ती रहती हैं, हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है इनके साथ। तो इसीलिए बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमें 60 फाइटर जेट्स चाहिए और हमारे पास सिर्फ 30 हैं। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने भी ये कहा है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके पास पुराने ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड टाइप्स वेपन्स हैं, नए और रिफ्रेश्ड वेपन्स हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट इशू हमारी बॉर्डर प्रेपरेडनेस में यही लिखेंगे आप कि लिटिल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट मीन्स लिटिल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद सेकंड है डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो हमारी चलती रहती है। देखिए अगर आप कंट्री के इनसाइड ही डिवाइडेड रहेंगे तो बाहर वाले आदमी को बड़ा इजी हो जाता है आपको
डिवाइड और एक्सप्लॉइट करना। देखिए, चाइना और पाकिस्तान और टेररिस्ट की भी ये इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि इंडिया को डिवाइड करो, धर्म पे, कास्ट पे, हर वे में जैसे भी आप कर सकते हो, और जो है उनपे उनको एक्सप्लॉइट करो। ये इनकी पॉलिसी भी है, कट इंडिया बाय 1000 कट्स, हार्म इंडिया बाय 1000 कट्स। इसका मतलब यही है कि इंडिया पे डिवाइड करो और उसे रूल करो, तो इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो, इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया की जो इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको जो है एक्सप्लॉइट करो। देखिए, 2 दिन पहले सीपीआर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की भी रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसने ये स्पेसिफिकली लिखा था कि इंडिया को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी के बीच में नहीं आने देना है। इंडिया का ब्रांड 4 पिलर्स पे बेस्ड है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो ये चारों अगर इंडिया इंश्योर कर पाएगा तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे अपने स्ट्रांग रहेगा, अपने बॉर्डर्स को भी मैनेज करने में स्ट्रांग रहेगा। तो ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये भी चेक कीजिएगा जाके इस वीडियो में जहां मैंने ये डिस्कस किया है। तो सेकेंड इशू है हमारी डिवाइसिव इंटरनल पॉलिटिक्स। थर्ड इशू हमारा क्या है कि हम अब कई स्ट्रैटेजिस्ट सोच रहे हैं कि हम क्वाड पे या रीजनल अलायंसेस पे फोकस करें अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बट इसमें काफी इश्यूज हैं। एक तो ये इशू है कि क्वाड को एज अ मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं देखा जा रहा, उसका रीजन इंडिया ही है, इंडिया इसको मिलिट्री एंगल नहीं देना चाह रहा। जब मिलिट्री एंगल जो है वो ऑकस, जो अब नहीं नई पिछले मंथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इस पे शिफ्ट हो गया है, तो इंडिया क्वाड को मिलिट्री एंगल क्यों नहीं देने चाह रहा। इसका मेजर रीजन यही है कि आप देखिए कि इंडिया का बहुत ही लॉन्ग बॉर्डर है, लैंड बाउंड्री है चाइना के साथ, तो इंडिया जो है इनके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, हार्ड पावर में नहीं आ सकता। आपको नहीं पता कि जब लड़ाई होगी तो क्वाड की कंट्री, स्पेशली यूएस जो है, वो हमारी एक्चुअल सपोर्ट करने आएगा कि नहीं। तब अगर ये बैक ट्रैक कर गया तो इंडिया कैसे अपने बॉर्डर को चाइना के साथ मैनेज करेगा। चाइना के साथ मैनेज करने के लिए इंडिया को थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास ना तो फाइनेंशियल कैपेसिटी है ना मिलिट्री कैपेसिटी उनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में लाने के लिए। छोटी मोटी फाइट में तो जीत सकता है, बट अगर फुल फ्लेज्ड वॉर हो गई तो इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। डिस्ट्रक्शन और लॉसेस दोनों साइड्स पे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना भी डिसाइसिवली जीत लेगा, अगर उसको ये कॉन्फिडेंस होता तो अब तक वो अटैक कर चुका होता इंडिया पे। वो इसीलिए अटैक नहीं करता क्योंकि उसको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, उसके कंपैरिजन में कम इसके पास रिसोर्सेस हैं, बट अदरवाइज इंडिया भी बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। तो दोनों लड़ेंगे तो दोनों को ही बहुत नुकसान होगा, और इंडिया के लिए ये कंसर्न है कि उसकी कोई मदद करने आएगा कि नहीं, ये भी इंडिया को नहीं पता है। तो ये भी बॉर्डर प्रिपेयरनेस का हमारा इशू है। फोर्थ इशू है इंटरनल हमारे इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो बहुत वीक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या आप अपनी पॉलिटी सेक्शन में पढ़िएगा। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने के लिए पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की कमिटीज, बजटरी प्रोसेस, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है गैदर करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं राइटर कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी वीक हुआ पड़ा है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने दिए जा रहे गवर्नमेंट से, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही। अब देखिए, गवर्नमेंट ने इनिशियली तो जब गलवान इंसिडेंट हो रहा था तो तब तो डिनायल मोड में ही था कि चाइना हमारी टेरिटरी में नहीं आया, इवन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी थी। तो यही कहा जा रहा है कि अगर हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो वो हमारे बॉर्डर को कैसे मैनेज कर रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा। कब हमारी टेरिटरी चाइना ले जाएगा और हमारी गवर्नमेंट कहती रहेगी जी नहीं वो नहीं आए हैं हमारी टेरिटरी में, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी बॉर्डर को अच्छे से मैनेज करने के लिए। फाइनली, ये आप देखेंगे कि सेकंड जो पेज पे आर्टिकल आया है, इसी तरह आपको नोट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से, सेम हेडिंग के अंडर
जहां रेलिवेंट होते हैं वहां पे पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो ये आर्टिकल डिफरेंट है पर पॉइंट इसी टॉपिक में रेलिवेंट है। तो पहले तो हम मिलिट्री फोर्सेस की बात कर चुके हैं, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो पुलिस फोर्सेस जो हैं हमारी ओवरलुक करती हैं, जैसे कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF, ITBP, ये सब फोर्सेज भी जो हमारी इंटरनल डिफेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि नक्सलिज्म को फाइट करना, हमारी इंडस्ट्रियल सेटअप को, न्यूक्लियर सेटअप को गार्ड करना, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंसी को फाइट करना, बॉर्डर पे भी देखना, जैसे BSF और ITBP बॉर्डर पे डिप्लाइड हैं लद्दाख वगैरह में, पंजाब में, तो इस सब को ये मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट भी बहुत इशू है हमारी फोर्सेज में, दोनों ही मिलिट्री में भी, ये पुलिस फोर्सेज में भी। तो क्या क्या इश्यूज पर्सनल हमारे फेस करते हैं? लो सैलरीज होती हैं इनकी, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, आप देखिए अकेले इतने इतनी दूर रह रहे होते हैं और फिर भी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज, लिविंग फैसिलिटीज या बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, फूड की क्वालिटी भी बहुत पुअर होती है, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई नहीं होता है इनके पास। तभी आप देखिए कि बहुत सारे जवान आप देख रहे होंगे कि वो यूट्यूब पे वीडियोस लॉन्च कर देते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, तो मतलब कि उनका ग्रेवियंसेस भी जो उनके प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो रहे, कोई भी प्रॉपर ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं पर्सनल इश्यूज में। उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज, टॉयलेट्स वगैरह कुछ इनको प्रॉपर नहीं मिलती हैं। उसके बाद ये रिसेंटली पेंशन रिफॉर्म्स भी आए थे, तो 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पेंशन्स जो भी है वो भी डिफरेंट कंडीशन से मिलती हैं। इनकी जो कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी पुअर हैं। जो सेंट्रल पुलिस की कैंटीन्स होती हैं इनमें GST भी लगता है, तो एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई किसी पर्सनैलिटी की बॉर्डर पे डेथ हो जाए या इंटरनली फाइट करते हुए नक्सलिज्म वगैरह एरियाज में अगर डेथ हो जाए, तो उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को भी एक यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं मिलती है। दिल्ली तमिलनाडु वगैरह में तो 1 करोड़ रुपया जैसे इन्होंने फिक्स किया होगा कि ये इतनी रिलीफ देंगे, बट कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता, इवन इसकी हाफ अमाउंट भी नहीं दी जाती। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक ब्रेड विनर, उनकी अर्निंग मेंबर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको इंश्योर करना है कि उनका सर्वाइवल सही रहे। वो कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो उनके डेथ के बाद ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनकी फैमिली का ध्यान दिया जाए, इसलिए ये पेमेंट्स बहुत क्रूशियल है। इसके लिए हमारे पब्लिक एक्सचेक्चर, हमारे टैक्सेशन अथॉरिटी को इसके लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट बना के रखनी पड़ेगी। तो ये आप बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्यूज सारे मेंशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहले, और उसके बाद हमारी इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, पर्सनल मैनेजमेंट इश्यूज, ये आप अपने डिफेंस के GS3 के टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। सिक्योरिटी इश्यूज में बॉर्डर मैनेजमेंट पे ऑलरेडी एक ऐसे भी आ चुका है कि बॉर्डर मैनेजमेंट 4 टॉपिक में से एक था, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें यूज करेंगे, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख के रखिए अपने पास, इसके नोट्स बना के रखिए। फाइनली ये FATF पे आया था, पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला गया है, तो FATF बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप अपने बेसिक नोट्स आज ही बना लीजिएगा, कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस ग्रुपिंग ने इसको एस्टैब्लिश किया, किस ईयर में ये एस्टैब्लिश हुआ और इसके फंक्शंस क्या है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस को चेक करने में काम आता है, इसीलिए पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट में रहता है। ये तो चाइना ने इसको बचा रखा है, नहीं तो ब्लैक लिस्ट ही रही इसके बाद, ये ब्लैक लिस्टेड ही होता, चाइना की क्लाउड की वजह से ये थोड़ा बहुत बचा पड़ा है। फाइनली ये आपका फ्राइडे रिव्यू वाला पेज आता है द हिंदू में, इसमें देखिए कुछ आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो आपको आर्ट एंड कल्चर कॉम्प्रिहेंसिवली अपने बेसिक नोट्स में ये यूज करना है, आप बस यहाँ से देख लीजिए, की टर्म्स देख लिया कीजिए कि कुछ रह तो नहीं गया। जैसे यहाँ पे आज भरतनाट्यम के बारे में आया, तो आप भरतनाट्यम के बारे में सब कुछ देख लीजिए कि कौन सी स्टेट में है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ टेम्पल डांस, इसकी ड्रेसेस क्या यूज होते हैं, इसमें ज्वेलरी क्या यूज होती है, इसके मेजर एक्सपोनेंट्स कौन कौन है, इसमें म्यूजिक कौन सा यूज होता है, कार्नेटिक या हिंदुस्तानी। ऐसे आपको हर इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस जो है रिकॉग्नाइज्ड है, भरतनाट्यम, ओडिसी, ठीक है, कुचिपुड़ी एंड और कथकली, ऐसे 8 हैं टोटल, आपको उन 8ों को कवर करना है और उसके बाद फोक डांसेस भी कर रहे हैं, तो ये आप इसके भी नोट्स बना के रखिए। उसके बाद ये जो है नई सी चीज लगती है, ये कुछ नए ट्रेडिशंस है, इस पे भी आप थोड़े नोट्स बना के रखिए, ये प्री में पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी आजकल आर्ट्स एंड कल्चर के बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं।
that was all for today's discussion. Hope it helps. Please like and subscribe my channel for more such informative videos, and thank you for watching.